बच्चों, एक बार एक चूहे को अपनी शादी करने की सूझी, और वो भी सबसे ज्यादा बलवान और खूबसूरत कन्या के साथ। तो क्या उसकी शादी हो पाती है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब जंगल का राजा अपनी शादी कर रहा होता है और सबको बुलाता है, पर सिर्फ चूहे को नहीं बुलाता। चूहे को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तो क्या ये वही कन्या है? नहीं नहीं, सब्र करो, ये वो कन्या नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चूहा भी आगे बढ़ता है और वो ऊपर आसमान में देखता है और उसको सूरज भगवान दिखते हैं और उसको आइडिया आता है कि अरे, सूरज भगवान की बेटी से ज्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो सूरज भगवान को खुश करने के लिए तपस्या करता है और सूरज भगवान नीचे आता है और उससे पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? चूहा कहता है कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए। तो क्या सूरज भगवान अपनी लड़की का हाथ चूहे के हाथ में दे देते हैं? क्या चूहे की शादी हो जाती है? ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार।